बड़े दिनों के बाद आज मुझे बिंदी बिंदी में देख रहे हो और थोड़ा मैसी भी दिख रही होंगी, तो मैसी तो मैं रोज ही रहती हूँ, कोई नई बात है नहीं। वैसे आज है 8th of March 2023 और आज है होली, मतलब वैसे कल भी होली थी, आज भी होली है। होली दोनों दिन हर जगह नहीं, मतलब मोस्टली जगह पर 8th को सेलिब्रेट हो रही हो और कुछ कुछ जगह पर 7th को भी हुई है। तो यहाँ नागपुर में तो कल ही हो गई और कल हो गई, तो हमने भी कल ही सेलिब्रेट कर ली। और आज है वुमेन्स डे भी, और आप सभी लोगों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, होली की भी बधाइयाँ। और बस दैट्स इट, आज तो हमने कुछ किया नहीं, सब कुछ कल ही हो गया, शाम को भी गए थे। ये सब मैं अभी आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी, चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दीदी क्या कर रही है वहां पे?
हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू सी पहली बार आई है वो ये क्या हो गया बस 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 बेटा यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न मिस यूनिकॉर्न लिटिल मिस यूनिकॉर्न लिटिल यूनिकॉर्न कब से इस ड्रेस का इंतजार था कि कब चीकू क्रॉल करे और कब मैं उसे ये ड्रेस पहनाऊं। मुझे ये क्रॉल वाला मोमेंट रिकॉर्ड करना था। आ रही है वापस आ रही है ये यूनिकॉर्न आ रहा है यूनिकॉर्न आ रहा है यूनिकॉर्न आ रहा है यूनिकॉर्न आ रहा है क्या बना है बेबी आज अरे हूँ बना है बेबी कौन अरे बेबी कौन कह रहा है यूनिकॉर्न बेबी कौन नहीं अब बेबी मेरा यूनिकॉर्न बना जब चीकू हमारी लाइफ में आई नहीं थी मतलब कमी में थी तो हमने सबसे पहले चीकू के लिए लिया था यूनिकॉर्न इसलिए यूनिकॉर्न इज वेरी स्पेशल फॉर अश एंड हर और ये पहला साइन भी था कि हमें बेबी गर्ल आने वाली है ये देखो है ना है ना है ना अनिका अनिका ने हमने लिए सैंडविच बनाया दिखा दो और अनिका बहुत स्ट्रांग बनती जा रही है ना दिन में 3 बार दूध पीती है ना अनिका 3 times in a day है ना बहुत स्ट्रांग बन गई कल तो अनिका ने 5 kg वाली लोहे की कढ़ाई भी उठा ली ओह गॉड सुपर स्ट्रांग सोचो यस यस मैं आप भी तो चले सकते नहीं नहीं ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो नेचुरल वाली हाँ Thank you so much. And what about you? I will eat. I will eat. Acha. Okay, fine. Hi everyone. So today is 7th of March 2023 and aaj hai Holi, matlab aaj bhi hai kal bhi hai aur यहाँ नागपुर में तो सबने आज ही सेलिब्रेट कर ली कल होली जल गई आज सेलिब्रेशन हो गया और मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या था यार मोस्टली जगह पर एर्थ को ही सेलिब्रेट हो रही कल ही हो रही अब आज सबने कर ली तो हमने भी आज ही कर ली यहाँ पर और बहुत दिन से बच्चों का मन था बच्चों या अनिका का बहुत मन था सेलिब्रेशन का तो ठीक है कहते कहते पहले हमारा था कि नहीं कल ही सेलिब्रेट करेंगे हम तो कल ही करेंगे लेकिन बच्चे का मन था तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है जाने दो अब जो हो रहा है लेट इट बी और आज सेलिब्रेट करते तो फाइनली कर लिया सो दिन बहुत अच्छा गया चीकू की पहली होली थी ये है मतलब और
उसके बाद शाम को हम लोग दिन में तो यही सब किया, खाना वाना कुछ नहीं बना, बस स्नैक्स ही खाया, गुजिया वगैरह खाई। गुजिया बनाई नहीं थी, हम बाहर से लेके आए थे, और बाकी जो छोटे मोटे स्नैक्स थे वो हमने घर पे बना लिए थे, मतलब मैंने बना लिए थे। इट वॉज डिफिकल्ट। फिर शाम को हम गए बाहर, और अनफॉर्चुनेटली मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पर ही भूल गई, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हम कहाँ कहाँ गए। बाहर गए हम लॉन्ग ड्राइव पे, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, मतलब बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी, सब हो रहा था। और फिर उसके बाद हमने सोचा चलो बाहर कुछ स्नैक्स खाते हैं। देन हम पहुँचे रेस्टोरेंट पर खाने के लिए, स्नैक्स जो हमने ऑर्डर कर लिया, छोले भटूरे, डोसा, और यार आज नहीं खाना था, मतलब इतना हैवी हो गया, ना वो स्नैक्स में काउंट हुआ, ना वो डिनर में काउंट हुआ, बीच में कुछ रह गया। और ये देखिए उसे दिखा रही, मुझे भी कुछ बोलना है। I make for my mother and father and for my little sister a dinner. हाँ, snacks, मतलब हम जब बाहर जाए तो उसके पहले अनिका ने पूरा प्रिपेयर किया सब कुछ, और प्लेटिंग वगैरह सब अच्छे से प्लेस करी, और उसने हमारे लिए स्नैक्स बनाया शाम का। तो ब्रेड बटर हम खा करके गए थे, और सीरियसली कुछ और खाने का इतना हैवी मन नहीं था, लेकिन ले लिया और खा लिया, लेकिन इट वॉज सो 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 लवली बेबी, थैंक यू। Hello everyone, I want to say something about vanilla milk. I'm going to tell you about my milk. This is vanilla milk, it's very strong for us. My mom drinks it too and feeds to my little sister. I have a little sister. There are two little sisters. One is big and one is small. Today you will see how I finish my milk. Okay, carry on. I finished it very fast. You should do it too. You will not love it. Please drink fast. And when you finished the milk, mom will be very happy to you. Yes. Love okay? you. And do this. It's very easy if you don't love. And if you drink this milk, and that milk will make you powerful. I hold the karai in my hands. That was heavy for me, but vanilla milk makes me strong for this. Okay, karahi. Okay. And have fun. Yes, dekha. Now let's see how I finish the milk. Yo, finish it. Very good, my baby. Vanilla milk is my favorite. So much. You should have it too. It's nice. It has a taste like ice cream. My mom told her me. Then I drink the milk. When I don't love it, I drink just need to drink first. Then I notice this thing. I can drink fast and one day I love it. And that milk makes my bones strong. Yes. And now you are even more stronger. Yes. Vanilla, when I want, I drink white, healthy and chocolate in morning. Then I drink water before. After. Having the milk. Having the chocolate milk. Chocolate milk was my favorite. But I started to drink these three milks. Healthy, white milk and vanilla. Yes. You will love it too. Just drink. Okay? Yes. It's okay. Good for you. Now let's see how I finish. Finish. Slowly. You are so strong, I know. You can do it. See? You started loving it, actually. Isn't it? Yeah! Cut. Yeah! Ha ha ha!
मैं बीच में आऊंगी, मैं सबके बीच में आऊंगी। Now you like to see how much I finished? Oh my god, it's really nice. Now I will drink water. And after drinking milk. Wait for a few seconds, na? Then have water. Wait for a few seconds. Okay. Do you know? After drinking my this vanilla milk, I fill it in water and get the water done. Fill it water and get into the cup into slab. चीकू यही है, कंटिन्यूस मम्मा के साथ में लगी हुई है। चीकू को हो रहा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं जहाँ जाती हूँ पीछे पीछे आ जाती है यार। मैं छुप जाती हूँ, मुझे ढूंढती रहती है। ये दिस टाइनी लिटिल गर्ल, देखो जरा क्या कर रही है। ल गिर गया तुम्हारा बिस्किट नीचे। ये जो टीथिंग बिस्किट था मैंने बनाया था, ये वही खा रही थी। ऐसे देख रही है मुझे, ऐसे देख रही है मुझे, देखो जरा। ये जो शरारती तुम्हारी हंसी है, मैं सब समझती हूँ। फोमो, चीकू को हो रहा है फोमो। वैसे इस एज में सारे बच्चे ऐसा करते हैं। एनीवेज, आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि बेबी को किस तरीके से, मतलब बच्चे के किस तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाएं, इजली कम्युनिकेट करना सिखाएं, और अनिका ने किस तरीके से लर्न करा। और अभी जस्ट उसकी स्टार्टिंग ही है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो स्कूल जा ही नहीं पाई कि उसे सोशल कम्युनिकेशन मिल सके, एक अच्छा जो एनवायरमेंट होता है वो उसे मिल सके। और घर में क्या, हम सब लोग मोस्टली हिंदी में ही बात करते हैं, ऑफकोर्स हिंदी में ही बात करेंगे, इट इज़ आवर मदर टंग। और अच्छा लगता है हमें हिंदी में बात करना, भाई हम तो बात करते हैं, हमारे साइड में सारे लोग ही बात करते हैं। घर में शुरू से ही एक हैबिट रही है, स्कूल में कॉलेज में कहीं भी रहो कैसे ही बात करो, बट घर में हम सब हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, तो एक फ्लो ही रहा है। और ठीक है, बेसिक चीज़ों के साथ में मैंने हमेशा ही शुरुआत से अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को चीज़ें बताई हैं क्या होती है। ऐसा नहीं कि इतना फोकस्ड हो जाना किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे, ऐसा नहीं था मेरे साथ में, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जिसने मुझे हमेशा से हेल्प किया, जैसे कि स्टार्टिंग में स्टोरी एंड राइम्स जो होती है रीड करना, मैं रीड करती थी अनिका के साथ भी, अभी चीकू के साथ भी रीड कर रही हूँ। उसकी बुक्स वगैरह है मेरे पास इंग्लिश और हिंदी राइम्स एंड स्टोरी की, तो मोस्टली अभी इंग्लिश वाली ही है चीकू की जितनी भी बुक्स हैं, इंग्लिश राइम्स इंग्लिश स्टोरी, और अनिका की तो है ही, तो मैं उसे पढ़ के सुनाती हूँ, उसे दिखाती भी हूँ, पिक्चर है छोटी छोटी से जो बुक्स में पिक्चर्स होती हैं वो सब मैं उसको दिखाती भी हूँ, तो देखती भी रहती। तुम ज़्यादा स्क्रीन में आने कुछ मत करो, तुमको मैं बता रही हूँ। अभी इधर बैठो ना बच्चे, यहाँ ऐसे बैठ जाओ। वो नहीं, बहुत बदमाश है, बहुत ही बदमाश है। वैसे मैं सेपरेट वीडियो कोशिश करूँगी कि मैं शेयर करूँ किस तरीके से मैंने सिखाया, और बहुत सारा कुछ नहीं, बच्चे ना देखो सुन करके सीखते हैं पहली चीज़, देख करके सीखते हैं, और तीसरी चीज़ की फील करते हैं। लैंग्वेज एक फीलिंग है मेरे हिसाब से, कि आप पहले महसूस करो उस चीज़ को और अपने आप ही आप सीख जाओगे। सो अनिका के जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है लैंग्वेज, उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है स्टोरीज का, राइम्स का, एंड ऑल्सो टीवी पर मूवीज थी किड्स वाली, जैसे कि कृष्णा है और हनुमान है, ऐसी कई सारी मूवीज थी, फ्रोजन है, एंड ऑल्सो पेपा पिक की जो सीरीज थी उसने बहुत हेल्प किया। कई सारे लोग पेपा पिक को एकदम हेट करते हैं कि नहीं बेकार बकवास कार्टून है, लेकिन आप अगर जब देखने बैठोगे ना तो उसमें लिटरली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत हेल्दी, बहुत ही अच्छी बेबी के लिए, बच्चे के लिए अच्छी होती हैं। स्पेशली लैंग्वेज बहुत सही तरीके से उसके थ्रू अनिका ने कैच करी है चीज़ें, इनका थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, इसमें हम सब लोग साथ दे रहे हैं, दीदी भी साथ दे रही है ना, सो दिस इज़ हाउ आई कैन डू। थैंक यू।